रूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरास्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। नारायण सर्वे भवन्तु सुखिनः। ब्रह्मसूत्र 2.1.10 भाष्य चल रहा था। नारायण तथा अपितौ कार्यस्य करुणा करुणा विभागाभ्युपगमात् तद्वत् प्रसंगोपि समानः। सांख्यवादी वेदांत पक्ष को लेकर जिन दोषों की उद्भावना करते हैं, पांच पांच नौ वे दोष उनके पक्ष में भी चरितार्थ है। ऐसी स्थिति में उनका आक्षेप उचित नहीं। कुछ ऐसे भी दोष हैं जो सांख्यों के पक्ष में चरितार्थ हैं, वेदांत पक्ष में चरितार्थ नहीं है। अपितौ प्रलय की दशा में कार्य का कारण से एकीभूत होना सुनिश्चित है। कारण और कार्य का विभाग यदि विलीन दशा में भी विद्यमान ही हो तो उसका नाम प्रलय हो ही नहीं सकता है। ब्राह्मणा सही प्रधान प्रकृति या व्यक्त को जगत का उपादान मानने वाले जो सांख्यवादी हैं, उनके मत में भी पार्थिव प्रपंच से लेकर महत्तत्व पर्यंत कार्य वर्ग प्रलय की दशा में त्रिगुणात्मक प्रधान से एकीभूत होकर अविभागापन्न होकर ही शेष रहता है। अपने पक्ष में दोष की उद्भावना न करके ब्रह्म को कारण मानने वाले के पक्ष में दोष की उद्भावना कहाँ तक उचित है। तथा अपितौ कार्यस्य करुणा विभागाभ्युपगमात् तद्वत् प्रसंगोपि समानः। तथा मृदित सर्व विशेषेषु विकारेषु अपीताभागात्मतां गतेषु इदमस्य पुरुषस्य उपादानम् इदमस्य इति प्राक् विलयात् प्रतिपुरुषम ये नियता भेदाः न ते तथैव पुरुषरुत्पत्तो नियंतुम शक्यन्ते करुणाभावात्। अब भाष्यकार भगवान का यह कथन है कि मृदित सर्व विशेषेषु
सर्वम जो छपा है वो सर्व ही होना चाहिए, बिंदी व्यर्थ है। तो प्रलय की दशा में जितने विशेष हैं कार्य वर्ग, विशेषता से संपन्न होता ही है, उनकी विशेषताएं उपमर्दित हो जाती हैं। प्रलय की यही विशेषता है कि सकल विशेषताओं पर वह पानी फेर दे, अशेष विशेष से अतीत ब्रह्म में ही सकल कार्य प्रपंच का विलय हम मानते हैं। आप सांख्यवादी त्रिगुणात्मक प्रधान में अशेष विशेष का विलय मानते हैं। यह यदि दोष है तो दोनों पक्ष में समान ही है। तथा मृदुत सर्व विशेषेषु विकारेषु अपीतावभागात्मतां गतेषु विभाग शून्य होकर महाप्रलय में सकल विशेष विद्यमान रहते हैं, कार्य प्रपंच में कोई विभाग शेष नहीं होता। वहाँ पृथ्वी पृथ्वी रूप से, जल जल रूप से, तेज तेज रूप से, वायु वायु रूप से, आकाश आकाश रूप से, अहम अहम रूप से, महत महत रूप से, और हमारे प्रस्थान में प्रकृति या माया, प्रकृति या माया रूप से शेष रहे संभव नहीं। आपके प्रस्थान में भी पार्थिव प्रपंच से लेकर महत्तत्व जो विशेष पदार्थ हैं कार्य, वे प्रधान मात्र अव्यक्त मात्र होकर शेष रहते हैं। तो विभागापन्नता को विगलित कर दे, उसी का नाम तो प्रलय है। इदमस्य पुरुषस्य उपादानम् इदमस्य इति प्राक् प्रलयात् प्रतिपुरुषम् ये नियता भेदाः। प्रलय के पूर्व हम कह सकते हैं कि इदमस्य पुरुषस्य उपादानम् इदमस्य इति, या इस पुरुष का उपादान है या इस पुरुष का उपादान है। जैसे मिट्टी घटादि कार्यों के रूप में उल्लसित हो तो मृन्निष्ठ जो मृन्निष्ठ जो कार्य घट कुल्लर सकोरे आदि, उन कार्यों में जो सन्निहित मिट्टी, उसकी ओर हम संकेत करते हैं, कर सकते हैं कि अनुगत मृत्तिका इस घट का उपादान है, इस कुल्लर का उपादान है, इस सकोरे का उपादान है। ऐसे ही सर्ग दशा में तो इस व्यक्ति या इस वस्तु का उपादान अमुक, इस प्रकार से विभाग बन सकता है, लेकिन प्रलय में तो पुरुष प्रभेद ही नहीं रहता, तो उपादान प्रभेद भी कैसे रह सकता है। मृदुत सर्व विशेषेषु विकारेषु अपीतावभागात्मतां गतेषु इदमस्य पुरुषस्य उपादानम् इदमस्य इति प्राक् प्रलयात् प्रति पुरुषम् ये नियता भेदाः नते तथैव पुनरुत्पत्तौ नियन्तुं शक्यन्ते।
उत्पत्ति काल में फिर प्रलय के पूर्व अमुक अमुक घटक व्यक्ति पुरुष का जो उपादान था, जो जो उपादान थे वे ही उपादान इस समय कार्य के रूप में उल्लसित विलसित हैं ऐसा नहीं कह सकते। इसका मतलब है कि प्रत्येक घटक की नवीन उत्पत्ति माननी पड़ेगी, पूर्व उपादान मूलक ही ये उपादेय हैं कार्य हैं ऐसा कहना कठिन है या अभिप्राय है। हाँ क्या हुआ? वाह जी, अभी अद्वैतवादी से शास्त्रार्थ हो रहा है या द्वैतवादी से? सांख्य द्वैतवादी हैं या अद्वैतवादी? फिर वो प्रलय नहीं मानते क्या? क्या हुआ? हम अद्वैतवादी हैं तो उत्तर पक्ष अद्वैतवादी है, यहाँ पूर्व पक्ष कौन है? सांख्य ना, तो सांख्य द्वैतवादी है या नहीं? तो प्रलय को मानता है या नहीं? तो सांख्यवादी पार्थिव प्रपंच से लेकर महत्तत्व तक को कार्य मानते या नहीं? इन कार्यों का उपादान प्रकृति को, प्रधान को या व्यक्त को मानते या नहीं? तो द्वैती हो या अद्वैती, जिनको सकल कार्य प्रपंच के मूल में एक उपादान कारण मान्य है, उन्हें प्रलय की दशा में भेद तो अमान्य ही है। सांख्यवादी जितने कार्य हैं उनका एक उपादान मानते हैं या नहीं? प्रलय में तो एक ही उपादान रहेगा, दो चार। पार्थिव प्रपंच का उपादान पृथ्वी, पृथ्वी का उपादान जल, जल का उपादान तेज, तेज का उपादान वायु, वायु का उपादान आकाश, आकाश का उपादान अहम, अहम का उपादान महत, महत का उपादान प्रकृति, प्रधान या व्यक्त। प्रलय में एकमात्र उपादान प्रधान प्रकृति या व्यक्ति ही शेष रहेगा या नहीं? तो द्वैतवादी होते हुए भी प्रलय में द्वैत की स्थिति कैसे बनेंगे? अगर आरंभवादी होते कौन? नैयायिक वैशेषिक, तो उनके यहाँ तो प्रलय नाम मात्र है। पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु रह जाएंगे, कार्य कोटि प्रविष्ट पृथ्वी जल तेज वायु शेष नहीं रहेंगे, यही मन रह ही जाएगा, आकाश रह ही जाएगा, दिक रह ही जाएगा, काल रह ही जाएगा, तो उनके यहाँ तो नाम मात्र प्रलय है, कोई एक उपादान उनके यहाँ नहीं है। किनके यहाँ? आरंभवादी जो नैयायिक वैशेषिक हैं उनके यहाँ सकल कार्य प्रपंच के मूल में एक उपादान नहीं है। एक उपादान नहीं है तो एक प्रकार से खंड प्रलय है। सांख्यवादी तो द्वैतवादी हैं कट्टर, लेकिन उनके यहाँ कार्य प्रपंच में जो तारतम्य है सन्निकट निर्विशेष का नाम उपादान, अंत में जब सकल कार्य प्रपंच का अपने अपने उपादान के द्वार से प्रकृति प्रधान या व्यक्त में लय हो जाता है, तब महाप्रलय या प्रलय की दशा में द्वैत मानेंगे या अद्वैत? यही तो कठिनाई है। आप द्वैत मान लो, अद्वैत मानेंगे कैसे? पुरुष को लेकर अद्वैत मानेंगे या प्रकृति के कार्य को लेकर अद्वैत मानेंगे? हाँ,
डरते क्यों हैं, उसमें क्या हंसी थोड़े होगी। प्रकृति को लेकर अद्वैत है या पुरुष को लेकर, प्रकृति के कार्य है ना, महत्त्व से लेकर पृथ्वी पर्यंत कार्य प्रपंच का क्रमशः लय किसमें होगा, प्रकृति में। पुरुष को लेकर तो द्वैत फिर भी रहेगा प्रलय में, लेकिन कार्य प्रपंच को लेकर द्वैत तो नहीं रहेगा, हो गया ना। द्वैतवादी अगर एक उपादान कारणवादी हैं, सकल द्वैत प्रपंच के मूल में एक उपादान कोई है, तब तो फिर उन कार्यों को लेकर प्रलय में द्वैत की सिद्धि नहीं होगी, वे कारण सब के सब किसमें लीन हो जाएंगे, उपादान चरम उपादान परम उपादान कौन है, प्रकृति, इनके यहाँ सांख्यों के यहाँ। अब जो वैष्णवाचार्य हैं उनकी ओर आपने संकेत किया होगा, तो वो ब्रह्म को उपादान मानते हैं या प्रकृति को जगत का, ब्रह्म को ही मानते हैं, ब्रह्म को ही मानते हैं ना। तो ब्रह्म को प्रकृति जगत का उपादान मानते हैं ना, ब्रह्म को जगत की प्रकृति मानते हैं, मन उपादान मानते हैं, तो महाप्रलय में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं और पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक्काल, वो कुछ बचे रहेंगे या ब्रह्म में जाकर विलीन हो जाएंगे, तो अद्वैत तो उनके यहाँ हो गया ना। संख की अपेक्षा ऊंचा अद्वैत हुआ या नहीं, सांख्यों के यहाँ तो पुरुष शेष रह जाएगा, यहाँ तो परमात्मा ही शेष रहेगा। सांख्यों के यहाँ कार्य प्रपंच का लय क्रमशः किसमें होगा, प्रकृति में, तो एक प्रकृति रह जाएगी एक पुरुष शेष रह जाएगा, पुरुष भी कैसे। अवच्छेदवाद के अनुसार अनेक नहीं, स्वभाव से ही असंख्य हैं पुरुष, तो उनके यहाँ तो द्वैत की भरमार होगी, किसको लेकर, प्रकृति को लेकर नहीं पुरुष को लेकर। औपाधिक भेद पुरुष में नहीं मानते, पुरुष माने आत्मा, पुरुष में औपाधिक भेद नहीं मानते, निसर्ग सिद्ध भेद मानते हैं। तो कितने प्रकार के द्वैत हो गए, एक प्रकृति पुरुष को लेकर द्वैत हो गया सांख्यों के यहाँ, और प्रकृति तो एक होगी लेकिन पुरुष तो असंख्य होंगे, तो उनको एक में पुरुषत्व जाति की दृष्टि से एक में मान लें, तो अभी तो दो घटक हो ही जाएंगे, एक हो जाएगा प्रधान, एक हो जाएगा पुरुष। लेकिन जो वैष्णवाचार्य महाभाग ब्रह्म को ही जगत का पुरुषोत्तम, परमात्मा को ही जगत का उपादान मानते हैं, उनके यहाँ जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं और पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक्काल, ये सब के सब परमात्मा में विलीन होंगे या नहीं, प्रलय वो भी मानते या नहीं। सदैव स्वमेद मग्र आसीत एक में वा द्वितीय श्रुति को मानते या नहीं वैष्णवाचार्य। तो अद्वैत के गर्भ से द्वैत आया, अद्वैत का पर्यवसान फिर अद्वैत में हो गया, तो अद्वैत प्रबल हुआ या अद्वैत प्रबल हुआ, सुरेश्वराचार्य का ना सुरेश महापात बोलो, कहाँ था मन, हाँ ठीक है, सोए तो नहीं हो। आदि में अद्वैत, अंत में अद्वैत, बीच में हे खुदा द्वैत तो प्रबलता किसकी रहेगी, उत्पत्ति के पहले परमात्मा ही रहेंगे ना, फिर लय के बाद भी परमात्मा ही रहेंगे, बीच में द्वैत रहेगा। अद्वैत से द्वैत की अभिव्यक्ति हुई, द्वैत का विलय फिर अद्वैत में हो गया माने ब्रह्म में, तो प्रलय में तो द्वैत नहीं मानेंगे वो, सांख्यवादी तो मान लेंगे पुरुष प्रभेद और पुरुष को लेकर प्रकृति के साथ,
श्री वैष्णवाचार्य यदि परमात्मा को ही उपादान मानते हैं और मानते ही हैं, तब सकल कार्य प्रपंच का विलय स्थान परमात्मा, और प्रलय में परमात्मा में, जीवों में और जगत में प्रभेद तो भेद तो नहीं सिद्ध होगा। तो ऐसी स्थिति में अद्वैत के गर्व से द्वैत प्रकट होता है, तब को और फिर द्वैत का पर्यवसान अद्वैत हो जाता है। तो आदावंते च यन्नास्ति वर्तमाने पि तत्तथा न यत् पुरस्तादुतयन्न पश्चात् मध्ये च तन्न व्यपदेश मात्रम भूतम प्रसिद्धम तत्परेण यद्यत् तदेव तत्साधित में मनीषा। भागवत का 11वां स्कंध। आदावंते च यादावंते च यन्नास्ति मांडुकारिका आदावंते च मध्ये च सिज्ज्यात् सिज्ज्यम यदन्वयात् पुनस्तत्प्रति संक्रामे यत् शिष्यत् तदेव सत्। भागवत का 11वां स्कंध। अद्वैत प्रबल हुआ उनके यहाँ या द्वैत, सर्ग दशा में द्वैत लेकिन द्वैत के आदि और अंत में अद्वैत, तो अद्वैत ही प्रबल हो गया ना। परमात्मा को उपादान कारण मानेंगे ना, तो उपादान में किनका लय होगा? स्थावर जंगम प्राणियों का लय हो जाएगा, पृथ्वी आदि का लय हो जाएगा। वो भी तो आकाश वायु तेज जल पृथ्वी को कार्य बांधते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि द्वैत की प्रबलता रहेगी अद्वैत की, आदि में भी अद्वैत, अंत में भी अद्वैत, मध्य में द्वैत, तो द्वैत की प्रबलता रही अद्वैत की। जो प्रबल होता है वो दुर्बल को निगल लेता है तो द्वैत को कौन निगल लेगा? अद्वैत अद्वितीय परमात्मा तत्व, तो द्वैत अंत में हो जाएगा प्रातीतिक, अद्वैत हो जाएगा पारमार्थिक। दूसरी बात क्या है, चाहे कोई यमें बोला था तो श्री वामदेव महाराज को विचित्र लगा, बहुत प्रसन्न हुए। फिर वो उन्होंने कहा हमारे कमरे में चलो। उन दिनों में शंकराचार्य नहीं था, बहुत साल पहले की बात, मैं समझता हूँ 30 साल पहले की बात होगी। उन्होंने कहा कहाँ से ले आए, बड़ा अद्भुत, हमने कहीं सुना ही नहीं था न पढ़ा था कहीं। जितने द्वैतवादी हैं यदि वो ज्ञान से मोक्ष मानते हैं तब विदेह कैवल्य की दशा में देहपात के अनंतर उस द्वैतवादी मुक्त जीव को किसी भेद की कभी प्रतीति नहीं होगी। दोहरा सकते वक्त, कट्टर द्वैतवादी भी यदि ज्ञान से मोक्ष मानते हैं, अज्ञान मूलक जिनको बंध माप मान्य है उनको ज्ञान मूलक ही मोक्ष मान्य होगा। कट्टर द्वैतवादी ही क्यों न हो, यदि वह अज्ञान से बंधन मानता है तो ज्ञान से मोक्ष मानेगा। जब ज्ञान से मोक्ष मानेगा तो ज्ञानी का जब देहपात होगा तब उसको आगे अनंत काल तक कभी भी कोई भेद का भान होगा क्या? नहीं होगा। तो इसका मतलब आप द्वैती मानते रहिए अपने को, आओ द्वैत का समर्थन करते रहिए, अद्वैत सहिष्णु तो होना चाहिए आपको। आगे तो सदा के लिए आपको द्वैत के भान से रहित होकर ही शेष रहना होगा। अहम इति अहमअस्मि या भान भी नहीं होगा। बहुत प्रसन्न हुए, तो अद्भुत चीज़ मिल गई। तो हमने कहा जहाँ से मैंने लिया वो बताता हूँ। सूत संहिता पर जो माधवाचार्य विद्यारण स्वामी महाभाग का भाष्य है उसमें इस तथ्य को उद्भाषित किया गया। आत्मन संयोग से नैयायिक मानेंगे क्या? द्वैत की प्रतीति। नैयायिक वैशेषिक ज्ञान से मोक्ष मानते हैं या उपासना से?
ज्ञान से, नैयायिक वैशेषिक। सांख्यवादी ज्ञान से मोक्ष मानते हैं, योगी ज्ञान से मोक्ष मानते हैं, अभिप्लव विवेक ख्याति से मोक्ष मानते हैं। पूर्वमीमांसक कर्म से मोक्ष मानते हैं, तो उनका प्रस्थान अलग हुआ। बौद्ध भी ज्ञान से ही मोक्ष मानते हैं। वल्लभाचार्य ज्ञान और उपासना एक प्रकार से दोनों से मोक्ष मानते हैं। एक विचित्र बात है, वल्लभ संप्रदाय के अनुसार एक विचित्र गुत्थी प्राप्त होती है, वो तो विशुद्ध अद्वैत मानते हैं। विशुद्ध अद्वैत का नाम विशुद्धाद्वैत, तो उनके अनुसार जो मोक्ष मिलेगा उसमें इष्ट का भान शेष रहेगा या नहीं? नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? सुषुप्ति में इष्ट का भान होगा? उपास्य उपासक भेद सुषुप्ति में ही नहीं रहता, तो विशुद्धाद्वैतवादियों के सामने कठिनाई ये है, सिद्धांत इतना ऊंचा माना लेकिन भगवान की लीला से भी वंचित रह जाएंगे, उनके अनुसार उनको मोक्ष मिल गया तो। तो मुक्ता अपि लीलया विग्रहम प्रगृह्य तम भगवंतम भजन्ते, नृसिंह पूर्व तापनी उपनिषद पर भगवान शंकराचार्य का भाष्य है। मुक्ता अपि लीला विग्रहम या लीलया विग्रहम प्रगृह्य तम भगवंतम नृसिंहम भजन्ते, वेदस्तुति पर जो भाष्य है स्मठ के पूर्व आचार्य, पूर्व अत्यंत पूर्व आचार्य श्रीधर स्वामी जी का, उन्होंने यह पंक्ति उद्धृत की शंकराचार्य जी की। भगवान शंकराचार्य ने भी माना है कि विदेह कैवल प्राप्त करने की क्षमता योग्यता जिनको है, वो एक संकल्प शेष कर रख सकते हैं कि जब सदा के लिए कैवल्य मोक्ष देहपात के हो जाएगा, तो श्री कृष्ण आदि जो लीला बता रहे हैं उनकी लीला से भी विमुख हो जाऊंगा, तो वे जब तक उनके मन में लीला के प्रति उत्सुकता है तब तक संकल्प छोड़ देते हैं, रख लेते हैं देहत्याग के बाद। जैसे भगवान बद्ध न होकर भी लीला पूर्वक श्री रामकृष्ण आदि के रूपों में व्यक्त होते हैं, ऐसे ये भी क्या होते हैं, लीला पूर्वक अविद्या काम कर्म के वशीभूत हुए बिना लीला पूर्वक भगवान जब जब अवतार लेते हैं तब तक प्रकट हो जाते हैं और लीला का आस्वादन करते हैं। इतना महत्व शंकराचार्य जी ने क्या सगुण साकार भगवान को दिया। अब आजकल के जो रामचंद्राचार्य वैद्य जी थे ना, एक ऐसे वेदांती के चपेट में पड़ गए थे, गुड्डी गुड्डियों का खेल कब तक रखोगे, माने राधा कृष्ण की मूर्ति को गुड्डी गुड्डियों का खेल, अरे राम राम। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं मुक्ता अपि लीलया या लीला विग्रहम प्रगृह्य तम भगवंतम भजन्ते, विदेह कैवल्य को न स्वीकार करके जब तक उनकी भावना रहती है देहत्याग के समय या उससे पूर्व एक संकल्प शेष रखते हैं, जब जब भगवान श्री रामकृष्ण आदि का अवतार हो तब तक उनकी लीला का आस्वादन करने के लिए मैं परिकर के रूप में या भक्त के रूप में मैं भी जन्म लूँ, वो भी लीला पूर्वक जन्म ले लेते हैं। भगवान कितने महत्वपूर्ण हो गए, तो आपके प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक दिया गया। प्रश्न क्या था आपका, द्वैतवादी? अगर वो उपादान भगवान को मानते हैं तो, प्रकृति को मानते हैं तो, दोनों दशा में, और अगर वो उपादान द्वैतवादी तो नैयायिक वैशेषिक भी हैं, पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु को उपादान मानते हैं तो फिर भी शेष, तब वहाँ द्वैत, पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु को लेकर ये द्वैत क्या, चार की प्राप्ति हो गई तो द्वैत तो हो ही गए। पृथ्वी के परमाणु अलग, जल के परमाणु अलग, तेज के परमाणु अलग, वायु के परमाणु अलग,
अब ये भी एक ही परमाणु है, परमाणु भी असंख्य, फिर आकाश आदि को लेकर तो भेद हो जाएगा, फिर पांच प्रकार के जो कर्म होते हैं उनके अतिरिक्त गुण भी उनके यहाँ बहुत से ऐसे नित्य हैं, हमने अपने ग्रंथों में लिखा है। सामान्य भी नित्य है, विशेष भी नित्य है, और गुण भी बहुत से ऐसे हैं जो उनके यहाँ नित्य हैं, सामान्य इत्यादि को भी गुण भी नित्य हैं, सामान्य जाति भी नित्य है उनके यहाँ, इस प्रकार से क्या हुआ। तो सांख्यों के यहाँ तो ये, वैशेषिकों के यहाँ, नैयायिकों के यहाँ तो भेद की पराकाष्ठा है, पांचों प्रकार के कर्म के अतिरिक्त जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक् काल आत्मा मन, ये नौ प्रकार के द्रव्य हैं, सब द्रव्य में बहुत से पदार्थ नित्य हैं, गुण में भी बहुत से गुण नित्य हैं, कर्म को छोड़कर द्रव्य गुण कर्म सामान्य नित्य है, विशेष नित्य है, समवाय भी नित्य है। लो हो गया विस्तार पूर्वक उत्तर। हाँ उत्तर इतना विस्तार से हुआ कि क्या उत्तर हुआ यही नहीं ध्यान रहेगा। क्या उत्तर इतना विस्तार से हुआ कि प्रश्न का उत्तर क्या हुआ यही ध्यान नहीं रहेगा। हाँ हाँ अब ये द्वैतवादी भी सांख्य इत्यादि में भी वो ज्ञान से तो मोक्ष मानते ही हैं, किंतु उनके यहाँ जो ज्ञान का स्वरूप है जहाँ तक वो मानते हैं, तो उसमें जो अलासु सुविधा के भाष्य में आपने कहा कि जो ज्ञान प्राप्त होगा उनको मोक्ष में जाएंगे, तो फिर दोबारा तो द्वैत की सिद्धि होगी, लेकिन केवल उसी ज्ञान से तो मोक्ष मानेंगे क्या? अरे उनकी मान्यता के अनुसार ज्ञान का अर्थ क्या है, अज्ञान मूलक जिनको बंधन मान्य है वो ज्ञान मूलक मोक्ष मानेंगे या नहीं, अज्ञान का पुनोदन। अब उनके यहाँ अज्ञान का जो स्तर है उस स्तर से अज्ञान का पुनोदन भी होगा, तो उनकी मान्यता के अनुसार, हम अपनी मान्यता के अनुसार उनको बद्ध कहते रहें वो नहीं, उनकी मान्यता के अनुसार ज्ञान से जब मोक्ष होगा, एक विशेष बात यह है झाजी नींदबाद में दीवार से इसलिए सट जाते हैं, पड़ोसी से दूर दीवार के नज़दीक। रात में एक डेढ़ बजे के सोने के लिए गए, कौन पांडे जी को हवा लग रही थी तो पंखा चाहिए था इनको और आदित्य जी को, तो अपना कमरे में से निकल के इधर गए तो एक डेढ़ बजे स्नान के लिए चले गए थे। कौन? जयराम जी। अच्छा, तो रात में ही मैंने विचरण करते हैं ये, तो सो लिया करें तो अच्छा है। मैंने तो कई बार कहा हठ योगी है, दो बजे कहाँ क्या गए थे नहीं, उससे लाभ क्या है ये देखना चाहिए ना, कि जिसके लिए साधु वेश है इससे बढ़िया तो पाठ क्या होगा। क्या तो नींद अगर पाँच बजे तक मान लो सो लें, दो तीन दिन तो कष्ट होगा, तो पाँच बजे से जग जाएं या चार बजे तक सो लें दो घंटा और, तो पाठ में तो सोने से बच जाएंगे, तो लाभ से तो वंचित हुए ना, रिकॉर्ड तो हो गया कि रात के डेढ़ बजे सो जाते हैं, रिकॉर्ड तो बना लिया चैम्पियन का, लेकिन क्या है स्टेशन पे तो बहुत जल्दी पहुंच गए, लेकिन ट्रेन जब आई तब सोए हुए मिले कहाँ प्लेटफार्म पर तो ट्रेन तो चली गई क्या। तो यह हुआ, तो क्या कह रहे थे, उनके सिद्धांत के अनुसार एक विशेष बात, जिनको कर्म या उपासना से मोक्ष मान्य है वो जीवन मुक्ति नहीं मान सकते, मानते भी नहीं, श्री रामानुजाचार्य जी के यहाँ जीवन मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उपासना से मोक्ष मानते हैं। पूर्व मीमांसकों के यहाँ और दयानंद स्वामी, निंदा नहीं कर रहा मैं, जिसका जो मत है उसके मत को उस रूप में रखना निंदा थोड़े है। आज समाजी सज्जन भूल जाते हैं, उनके मत को हम उन्हीं के रूप शब्दों में रख रहे तो निंदा थोड़े है। दूसरी बात, आर्य समाजी सज्जन बरेली में थे ना, वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि श्रीमन नारायण ब्रह्मा जी से लेकर बिरजानंद सरस्वती जी
जो मान्य श्री दयानंद स्वामी के गुरुदेव थे, दंडी स्वामी थे, उन सब के सिद्धांत का खंडन दयानंद स्वामी ने किया। अब अगर दयानंद स्वामी का कोई खंडन करता है तो उनको कष्ट होता है, लेकिन दयानंद स्वामी ने अपने पूर्वाचार्य विरजानंद सरस्वती जी से लेकर ब्रह्मा जी नारायण तक के सिद्धांत का खंडन कर दिया, उसको लेकर उनको कष्ट होना चाहिए या नहीं? उसको लेकर कष्ट नहीं होता। तो हम दूसरी बात है कि उनके सिद्धांत को प्रकट कर देना वो तो निंदा नहीं है ना। तो दयानंद स्वामी भी कर्म से मोक्ष मानते हैं, तो मुक्त जीव का पुनर्भव भी मानते हैं। तो जो कर्म से मोक्ष मानते हैं उनके यहाँ जीवन मुक्ति नहीं है। श्री रामानुजाचार्य जी मुक्त होना भी व्यर्थ ही है उनके मत में। अरे इतना लाभ हो गया, 3-5 घंटे नींद आ गई तो विक्षेप से बच जाएंगे या नहीं? स्त्री बेटे आदि के धंधे से तो महा, अभी आज की तारीख में कोई श्री दयानंद स्वामी जी के अनुसार आज की तारीख में कोई क्या शरीर छोड़ चुका, अब जितना समय प्रलय का शेष है, महाप्रलय का, प्रलय का, उसके बाद मान लो फिर उतने समय तक प्रलय काल जितना रहेगा उतने समय तक मुक्त रहेंगे। 5 घंटे की सुसुप्ति भी हमको पागल होने से बचा देती है, इतना तो लाभ है ना। क्या प्रलय के बाद ही मुक्त जीव का जन्म होगा, प्रलय की अवधि तक। आज अगर कोई मुक्त जीव उनके अनुसार मर गया, देहत्याग कर दिया, इतने वर्षों तक वो फिर मुक्त ही रहेगा, प्रलय के बाद में फिर बद्ध होकर जन्म लेगा, फिर ज्ञान प्राप्त करेगा, फिर ऐसे होगा, चलता रहेगा। तो कर्म से जो मोक्ष मानते हैं तो कर्म का फल कृतक का फल नश्वर होता है ना। ईमानदारी की बात है, जो कर्म से मोक्ष माना तो क्या है, नश्वर होगा मोक्ष, अवधि पर्यंत होगा, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति। अब यहाँ क्या कह रहे थे, यहाँ ये कह रहे थे कि ज्ञान से अगर मोक्ष मानते हैं तो जीवन मुक्ति भी मानेंगे, विदेह मुक्ति भी मानेंगे, और जब विदेह मुक्ति मानेंगे तो कट्टर द्वैतवादी भी जब ज्ञानोत्तर देहपात होगा तो अनंत काल तक कभी भी उनको इदम अहम मान किसी भी द्वैत प्रपंच का भान नहीं होगा, सर्वथा अद्वितीय होकर ही शेष रहेंगे। इसलिए विद्यानंद स्वामी जी का ये आग्रह है, यह जीवन तो स्वल्प है, भविष्य में सदा के लिए ही अद्वैत होकर ही रहना है, तो इस समय क्यों ना अद्वैत सहिष्णु बने। द्वैत सहिष्णु तो वो हो ही नहीं सकते जो ज्ञान से मोक्ष मानते हैं। क्या आप द्वैत का ढिढोरा पीटते रहिए, लेकिन द्वैत सहिष्णु आप होंगे तो आगे क्या होगा, फिर तो आप ज्ञान से मोक्ष मान ही नहीं सकते हैं। इसलिए दूसरी बात है कि पूज्य गुरुदेव ने बताया बड़ी सभा में कि सांख्यवादी योगी जगत को सत्य मानते हैं, लेकिन वैराग्य के दो भेद मानते हैं, कौन, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। पर वैराग्य का अर्थ क्या होता है, दैवी संपद शांति दांति इनसे भी वैराग्य, ये अनुगमन करें लेकिन हम इनकी दास्तान न स्वीकार करें। तो पूज्य गुरुदेव कहते थे जब कट्टर द्वैतवादी पर वैराग्य तक मानते हैं, योग दर्शन वाले द्वैतवादी हैं, अब वेदांती अगर वैराग्य को महत्व नहीं देता है तो वेदांती है या कुछ और है वो? क्या वेदांती माने अद्वैतवादी होकर के अगर वैराग्य की हंसी उड़ाता है या वैराग्य को महत्व नहीं देता है, उसे शिक्षा लेनी चाहिए। जगत को सत्य मान करके भी इतना ऊंचा वैराग्य, अपर वैराग्य ही नहीं पर वैराग्य। फिर साधन चतुष्टय में मुमुक्षा को छोड़ दें तो कितने साधन रह जाएंगे, विवेक वैराग्य षट्क संपत्ति, वैसे 8 नहीं तो 3, 6 को 1 कर दिया तो षट्क संपत्ति, नहीं तो 6 संपत्ति विवेक वैराग्य 8।
अब मुमुक्षा छोड़ दें तो अन्य दार्शनिकों के अनुसार विवेक वैराग्य षट्क संपत्ति संपन्न व्यक्ति मुक्त होगा या बद्ध होगा? हमारे यहाँ बद्ध होगा। फिर अगर मुमुक्षा नहीं है तो प्रतिबंधित है, स्तर हुआ या नहीं क्या? अमुक अमुक जगह और जगह का IAS भी वहाँ एडमिशन लेते हैं, दाखिला लेते हैं पढ़ने के लिए, स्तर हुआ या नहीं? स्तर क्या हुआ? हमारे यहाँ विवेक वैराग्य षट्क संपत्ति संपन्न कोई व्यक्ति है और अपने को कृतार्थ मानता है तो मानेंगे प्रतिबद्ध है, मुख्या होनी चाहिए। लेकिन और दर्शन प्रस्थान में उसको मुक्त मान लेंगे या नहीं? अरे भाई, विवेक है, वैराग्य है, सम है, दम है, उपरति है, तितिक्षा है, श्रद्धा है, समाधान है, उनके यहाँ तो मुक्त प्रमाण पत्र मिल जाएगा मुक्ति का। ये आपके प्रश्न के उत्तर में इतना ही। क्या हुई वाक देवी का विस्तार हुआ, वाक देवी की अभिव्यक्ति हुई। हाँ, तथा मृदित सर्व विशेषेषु विकारेषु अपीतौ अविभागात्मतां गतेषु इदमस्य पुरुषस्य उपादानम् इदमस्य इति प्राक् प्रलयात् प्रतिपुरुषं ये नियता भेदाः न ते तथैव पुनरुत्पत्तो नियन्तुं शक्यन्ते। यहाँ तो अमुक पुरुष का यह उपादान, अमुक पुरुष का यह उपादान, यह विभेद कर सकते हैं। लेकिन जिस पुरुष का जो उपादान था उसी उपादान से प्रलय के बाद उत्पन्न हुआ है, ये कह सकते हैं क्या? अरे भाई, गंगा जी के तट पर जाओ, यमुना जी के तट पर जाओ, या समुद्र के तट पर जाओ, फिर क्या हुआ? एक लोटा, एक कमंडल गंगा जी से जल ले लीजिए, समुद्र से जल ले लीजिए, ठीक। फिर उसको क्या करें? समुद्र में डाल दें। फिर समुद्र से एक लोटा जल ले लें, तो जो जल मैंने डाला था वही जल अब इस लोटा में है, कह सकते क्या? क्या जो जल मैंने लोटा में पहले डाला था वही यह जल है, कह सकते? ठीक इसी प्रकार योग बल से आकृष्ट करके तो पूंजी नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। क्या कह रहे हैं? योग बल से आकृष्ट करके वो पूंजी को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। कौन योग बल से? कौन उसी जल को फिर से बोल रहे हैं से क्या कह रहे? जो जल छोड़ दिए हैं योग बल से फिर उसी को नहीं ला सकते हैं? ला के दिखाइए, योगी तो आप हैं ही। कोई योगी बोल रहे कर सकता है? प्रश्न ये उठता है कि महाप्रलय में लीन हो गए उपादान सहित कौन घटक स्थावर जंगम प्राणी पुरुष बने, स्थावर जंगम प्राणी। अब जब महाप्रलय में तो कोई भेद रहा नहीं, फिर सृष्टि के आरंभ में चूँकि तत्व ज्ञान के बिना ही महाप्रलय में गए, तब अपने अपने उपादान से ही उनकी अभिव्यक्ति होगी, इसमें क्या संदेह? इसमें क्या शर्त है? क्या महाप्रलय में अगर विभाजक रेखा बनी ही रही, जैसे बैंक में रखते हैं ना, इनके खाता इनके खाता इनके खाता इनके खाता, ऐसे अगर भगवान महाप्रलय में क्या इतना उपादान, ब्रह्म में ही विभाजक रेखा, इतना उपादान इतना उपादान इतना उपादान, फिर क्या होगा? यही का योग बल से कौन निकालेंगे, योगी या भगवान, प्रश्न उठता है। तो सांख्यवादियों के यहाँ तो कोई योगी होगा नहीं,
क्योंकि सांख्यवादियों के हम भगवान है नहीं क्या। आज जितने योगी थे वो तो फिर विलीन हो गए महाप्रलय में, अगर उनका जन्म हो गया तो उनके यहाँ कौन ऐसा योगी होगा जो जिस पुरुष स्थावर जंगम प्राणी का जितना अंश उपादान था वो सब प्रकृति में विलीन हो करके अपने अपने उपादान से ही उन सब की फिर उत्पत्ति हुई है, इसमें कौन नियामक होगा? कोई नियामक होगा क्या? नहीं। उदाहरण वही है क्या, समुद्र से एक लोटा जल लिया फिर समुद्र में डाल दिया और डाल करके यानी कि यहाँ डाला तत्काल निकाल लिया, वो तो प्रलय कितनी अवधि तक होती है, और वो एक घंटे रुक गए मान लो आध घंटा। अब जो समुद्र से जल निकाला उसी लोटा में, ये नहीं कह सकते कि जो जल इस लोटा में पहले था वही जल अब इस जलत्वेन तो जल है, लेकिन जो जल था वही जल है ये नहीं कह सकते। तथा मृद सर्व विशेषेषु विकारेषु अपिता भागात भागात्मतां गतेषु इदमस्य पुरुषस्य उपादानम् इदमस्य इति प्राग प्रलयात प्रतिपुरुषम् ये नियता भेदाः न ते तथैव पुनरुत्पत्तो नियन्तुं शक्यन्ते कारणाभावात्। इसमें कोई कारण नहीं है क्योंकि उपादान घटक जितने थे वो सब का भी विलय हो गया है। अरे घटादिकारी का विलय हो गया मिट्टी में, तो जितने अंश से जो घट आदि बने थे उनका भी विलय हो गया या नहीं? फिर अगर कोई कुमार मिट्टी से घट आदि बना दे, मान लो उतने ही घट बना दे, उतने कूलर उतने शिकर है, आकृति भी मान लो पहले से रजिस्टर में रखे, तो अभी ये नहीं कह सकते कि जिस मिट्टी जितनी मिट्टी से यह घट पहले बना था उतनी मिट्टी से बना भी दे तो वही मिट्टी जिस मिट्टी से घट पहले बना था उसी मिट्टी से, ये नहीं कह सकते। उपादानांश उपादे सहित उपादानांश का विभाग लुप्त हो जाएगा तभी तो प्रलय की स्थिति होगी ना। इस प्रकार के अध्ययन से क्या लाभ होता है? बुद्धि सूक्ष्म होती या नहीं, अशुद्ध होती या नहीं, और दंभियों के चपेट से मुक्त होती या नहीं। भले ही ये पढ़ाई का क्रम इस परंपरा का उच्छेद हो रहा है, पूरे विश्व में तो 5-7 जगह पाठ चलता होगा अधिक से अधिक, इस ढंग से पाठ नहीं चलता, लुप्त ही हो गया पठन पाठन का क्रम। लेकिन ये जो नास्तिक श्रवण पैदा हो रहे हैं उनके आक्षेप से अपने सत्संप्रदाय को बचाना, अपनी परंपरा को बचाना, विकासवादियों के चपेट से अपने धर्म अध्यात्म को बचाना, और बहुत बढ़िया पूर्वाचार्य जो थे श्रृंगेरी के ब्रह्मलीन अब कहना होता है, उन्होंने एक बहुत बढ़िया संस्मरण बताया हमको। ब्रह्मचारी ये तो समय दो थे उत्तराधिकारी के लिए तैयार किए जा रहे थे, उसमें से एक हैं ये भारती जी महाराज, तो ये लोग तो फिर सामने नहीं आते थे ना, उनके पाठ में वो बैठे रहते थे तभी ये लोग होते थे, गोपाल कृष्ण पढ़ाते थे, बाकी तो हमको तो लेकर 5-5 घंटे घूमते थे लेकिन पूछते नहीं थे भोजन किया या नहीं, वो तो अलग बात। एक बार बहुत बढ़िया उन्होंने कहा, ब्रह्मचारी ध्यान रखो, एक पादरी मेरे पास आ गया, पादरी उसने प्रयास किया कि मुझे शंकराचार्य को ही वो क्रिश्चियन बना दे, अपने रंग में रंग दे। फिर वैसे अभिमान में बोलते थे लेकिन भोले भाले भी थे, चाहे बच्चा अभिमान करे वैसे, समस्त शास्त्रों का मैं दिग्गज विद्वान, हाँ उनको नहीं मालूम पूजकर गुरुदेव के प्रति कृपाती जी महाराज के प्रति मेरी कितनी आस्था है, मैं तो छिपा कर रखता था मन में,
नहीं तो करपाति जी कोई मुझसे भिरा देना ऐसे बोलते थे। विद्या का सभी शास्त्रों का दर्शन का मैं दिग्गज विद्वान। फिर मैंने सोचा मुझ पर ही जब इसने हाथ रखा तो मेरे अनुयायियों को हिंदुओं को तो चट ही कर जाएगा, कैसे टिकेंगे। तो ब्रह्मचारी मेरा ध्यान रखना, जीवन भर ये प्रयास करना, कहीं हिंदू क्रिश्चियन आदि न बन जाए, खूब अध्ययन करना और व्यक्तियों को भी सत संप्रदाय की रक्षा के लिए भी, अपने कल्याण के लिए तो करना ही, सत संप्रदाय की रक्षा के लिए नहीं तो देखो कितना बड़ा साहस किया हो उसने, मुझको ही अपने रंग में डालने का प्रयास किया। तो मैं अगर इतना विद्वान, वैसे बोलते थे, मैं अगर इतना विद्वान ना होता तो मन से मैं क्रिश्चियन हो गया होता तो मेरे अनुयायी कहाँ जाते। हिंदुओं का अस्तित्व बचाना है तो ब्रह्मचारी लिखने पढ़ने में मन लगाते रहना, जैसा तुम अभी लगा रहे हो, कभी प्रमाद मत करना, नहीं तो कोई बचेगा नहीं। इतनी चिंता तो थी। तो फिर शंकराचार्य के मंदिर पर भी मुस्लिम झंडा फहरा ही देंगे, फहरा दिया श्रृंगेरी में अपना झंडा टांग दिया, 2 घंटे के लिए सही, 4 घंटे के लिए सही। अथ केचित् भेदा अपिता व विभागापद्यंते केचित् नेति चेत्। कहते हैं कोई भेद अपिताओ अपि अविभागम आपद्यन्ते, अविभाग को प्राप्त होते हैं कोई नहीं। कहते बाजी आधा तीतर आधा बटेर, जो विभाग को प्राप्त रहते हैं अविभाग को प्राप्त नहीं होते, उनको उनका लय कैसे मानेंगे, उनका उपाय। उनकी अभी तो हुआ ना बेंगलोर वाला कांड, वहाँ जाके दो युवक वो तो पकड़ लिए गए हैं, भाजपा का शासन है तो वो तो उनके तो गुप्त प्रशिक्षण है ना, वो मरने मारने से डरते नहीं, उनका प्रशिक्षण ही है कि जो विधर्मी, उनकी दृष्टि में जो विधर्मी है उनका मान मर्दन कर दो, उनका तो है ही, मठ मंदिर सबको दूषित कर दो, वो उनके 2-4 को जेल में डालेंगे ना। तो भारत में तो जो रहते हैं उनके बहुत बड़ी व्यूह रचना है, पूरे विश्व से आर्थिक दृष्टि आदि से भी संगठन है, अस्त्र शस्त्र भी गुप्त बहुत है उनके पास। हिंदू तो देख ही रहे आपस में, तो कोई श्री जगन्नाथ जी को लेकर ही हुआ, पुरी के किसी संत ने ही संपर्क किया होगा कि महाराज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा रुक जाएगी तो क्या होगा, किसी ने ना। यह तो बड़ी विचित्र बात, उनके यहाँ कम से कम कौम के नाम पर, अमुक के दमन के नाम पर एकत्र हो जाता है, हमारे यहाँ तो सब कुछ चलता नहीं। कहते जो अविभागापन नहीं होते, विभागापन रहते हैं, तो क्या प्रमाण कि उनका उपादान वही है ब्रह्म, या उनका उपादान प्रकृति ही है, तब तो कार्य कारण भाव विचित्र है, तब उनका प्रलय ऐसा थोड़े होता होगा कि बहुतों का प्रलय हो गया, बहुतों का प्रलय नहीं हो गया, और प्रलय में विलीन हो करके भी अपने अपने विभाग से उज्जीवित ही रहे, विभाजक रेखा बनी ही रही, यह संभव नहीं है। ये नापद्यन्ते नापद्यन्ते तेषां प्रधान कार्यत्वं न प्राप्नोति, तब तो यही मानना चाहिए कि प्रधान जो आपके यहाँ कारण है उसके वो कार्य ही सिद्ध नहीं होते। एते दोषा साधारणत्वात्, तुम्हारे यहाँ जो दोष है वो हमारे यहाँ दोष है, हमारे यहाँ कोई कहे बताया था ना, वो ये सीमा चौधरी के बेटे की शिकायत कोई मेरे पास करने आया जब मैं जम्मू में उनके घर का, ये खेलता रहता, हमने कहा क्यों, वो कह रहा खेलता, पूछिए वो नहीं खेलता, उसी के साथ तो खेलता हूँ, कौन बच्चे नहीं खेलते हैं, हम कहा बात दलील तो ठीक कौन बच्चे नहीं खेलते, तो क्या मतलब हुआ, तो तुम्हारे यहाँ भी वही दोष है हमारे यहाँ भी दोष है, तो
हमारे ऊपर दोषारोपण करते हो, तुम अपने ऊपर दोषारोपण क्यों नहीं करते? तुम्हारे यहाँ भी तो प्रलय में कौन ऐसा कार्य बचेगा जो प्रधान से भिन्न होकर के शेष रहेगा? तुम्हारे नाक पे तिल के चिन्ह है तो हमारे नाक पे तिल के चिन्ह है तो हमें क्यों हंसते हो? अपने तिल पर हंसो। हमारे यहाँ कोई ऐसा कार्य नहीं जो ब्रह्म में विलीन हुए बिना रहे। तुम्हारे यहाँ कौन सा कार्य है भाई जो प्रधान में विलीन हुए बिना रहे? इसको गुण समझो तो दोनों ओर गुण है, दोष समझो तो दोष दोनों ओर दोष है। तो हमारे ऊपर ही क्यों आक्षेप करते हो? अपने ऊपर पहले आक्षेप कर लो। हाँ, नोदयितव्या भवन्ति त्यदोषतामेव साम दृढ़यति अवश्याश्रयतव्यत्वात्। अगर आपके यहाँ यह दूषण नहीं है तो हमारे यहाँ कैसे दूषण हो गया? दो दृष्टि से क्यों देखते हो? एक दृष्टि से देखो तो समान तथ्य है, समान तथ्य है वह। और भेदवादी मान लीजिए कौन है? परमाणु में लय मानेंगे, ठीक है? तो दो परमाणु में किसका लय हो जाएगा? दोनों का लय हो जाएगा। अंत में भेदवादी भी जो उपादान मानते हैं उसके जितने कार्य हैं विलय हो जाने पर फिर क्या रहेगा? भेद तो बना रहेगा, भेद बना रहेगा तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी। कार्य का विलय तो किसी न किसी अंश में मानना ही पड़ेगा, तो कारण से अविभागापन्न होकर ही तो कार्य रहेंगे। पृथक रह गए तो जिससे पृथक रहे वो उनका उपादान कारण ही सिद्ध नहीं होगा। अवश्याश्रयितव्यत्वात्, इस प्रकार से अवश्य ही आश्रय ग्रहण करने योग्य है। अर्थात ये मान के चलो कि उपादान में विलय हो जाने पर कोई विभाग शेष नहीं रहता। अगर विभाग शेष रहता है तो कह दो कि प्रधान उसका कारण ही नहीं है। हम कह देंगे ब्रह्म उसका कार्य कारण ही नहीं है, ऐसा तो संभव नहीं। इसलिए एक भी विभाग पृथक से शेष नहीं रहता, सब अविभागापन्न होकर ही प्रलय दशा में अपने उपादान को प्राप्त होते हैं, मूल उपादान। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।